हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हार के बहुत दुख था हम लोगों के बीच में, बट आज फाइनली सेकंड मैच डे का हमारा मैच आ चुका है। 8 बजे मैच है उज्बेकिस्तान के साथ। तो दोनों टीम्स का कैसा क्या प्रिपरेशन चल रहा है, कितना क्या चाहिए इंडिया को इस मैच से, क्या पुल आउट करना पड़ेगा, उज्बेकिस्तान कैसे फॉर्म में है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो एज यू कैन सी हियर कि उज्बेकिस्तान ने अपना लास्ट मैच सीरिया के साथ खेला था, जो कि ये एशियन कप नहीं था उनका पहला मैच, जिसमें मतलब अनएक्सपेक्टेडली सीरिया ने एक ड्रॉ पुल कर लिया, क्योंकि उज्बेकिस्तान इज मोर बेटर टीम देन सीरिया। आप लोगों को तो पता ही है सीरिया का हाल क्या चलता है भाई, खत्म कर दिया अमेरिका ने उनके, बजा दिए थे। तो उसके बाद भी एक अच्छा टीम बना लिया इन लोगों ने, तो भाई मस्त खेल रहे हैं। अच्छा हुआ ड्रॉ हुआ, जीत जाता उज्बेकिस्तान तो हमारा ग्रुप मतलब लग जाते हमारे। बट हमारे बॉयज ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा फर्स्ट हाफ खेला था, बट सेकेंड हाफ में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमने गोल खा लिए, जो कि होता रहता है उतने अच्छे टीम के अगेंस्ट। बट मैं अपने बॉयज से यही एक्सपेक्ट करूंगा आज के मैच में कि जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एकदम नेक टू नेक फाइट किया था, वैसे ही सेम फाइट उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट लेना पड़ेगा, तो ही ये मैच जीतने का चांस है। इस मैच में मिनिमम टू मिनिमम हमको ड्रॉ तो निकालना पड़ेगा अगर आगे जाने के चांसेस जिंदा रखने हैं तो, और अगर जीत आ गया तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा मतलब सुखबरी हो जाएगा। बट विन निकालना इज प्रेटी टफ, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट फ्यू मैचेस में इधर आपको फोटोज आ जाएंगे, इन्होंने ईरान के साथ ड्रॉ किया है, आपका चाइना को हराया, मेक्सिको के साथ ड्रॉ किया, आप समझ सकते हो मेक्सिको जो वर्ल्ड कप में खेलती है, उस टाइप के टीमों के साथ ये लोग ड्रॉ निकाल रहे हैं। तो टीम में कुछ तो बात है, होगा शायद से सीरिया ने मास्टर क्लास दिखा दिया या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड पुल ऑफ कर लिया, बट वैसे इनको रोक के रखना बहुत टफ बात होता है। बट एज वी नो, और लाइनअप्स का बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया लास्ट मैच के बाद कोई लाइनअप में चेंज करेंगे, कोई इंजरी अपडेट भी तो नहीं है, तो हमारा जैसा लाइनअप था। गुरप्रीत सिंह संधू रहेंगे गोलकीपिंग में, उन्होंने लास्ट मैच में फर्स्ट जो गोल खाया था उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट मतलब कम्युनिकेशन का फॉल्ट बोल सकते हो आप, उसके वजह से हम लोगों ने गोल खा लिया था, बट उसको छोड़ के कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी राहुल वेके, संदीप सिंघल टॉप क्लास, और दीपक तांगड़ी के बारे में बात करना चाहूंगा, बहुत अच्छा खेल रहा था बंदा, मतलब इतना चांस नहीं मिलता बंदे को नेशनल स्क्वाड में, बट जो चांस मिला भाई बहुत अच्छा खेला उसने। और सुभाषिश बोस बहुत अच्छा खेल रहे थे, निखिल पुजारी भी बहुत अच्छा गेम जा रहा था उनका, और सुरेश सांगते, मनवीर, ये तो भाई थे ही, छांगते ने तो पूरा ऑस्ट्रेलियन डिफेंस के लगा के रखे थे उस विंग पे। और महेश सिंह भी अच्छा खेल रहा था, छेत्री सर को उतना बॉल डिलीवर नहीं हो पा रहा था जितना हमको एक्सपेक्ट था कि हम मतलब एक आधा काउंटर निकाल ही देंगे, उतना भी नहीं हुआ। पहले 10-20 मिनट में थोड़ा बहुत हम दे रहे थे, बट उसके बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारे ऊपर चढ़ के बैठी थी, तो यही तो था पूरा मैच का, अगले मैच मतलब पिछले मैच का रिव्यू। तो आज का यही मैच है, तो दो चार इंटरेस्टिंग बात कहने थे कि हम लास्ट ईयर जितने भी टीमों के अगेंस्ट खेले थे तो उनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो होगा 122, जबकि हमारा रैंकिंग 100-102 के बीच में घूम ही रहा था, तो फिर भी हम 122 मतलब ऐसे ही टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, उनका अगर एवरेज करोगे तो 122 आएगा। और ये लोग, इनका रैंकिंग शायद से 80 के आजू बाजू होगा, और ये लोग का जो भी मैचेस खेल रहे हैं सबका अगर एवरेज करोगे तो वो आएगा आपका 72, समझ रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द मैचेस ये लोगों ने अपने से अच्छे बहुत अच्छे टीमों के साथ खेला है, तो इनको हाई इंटेंसिटी मैचेस के बारे में पूरा पता होगा, क्या कैसे मैनेज करना होगा टीम को, कैसे अपने नर्व्स कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मेन तो इस मैचेस में नर्व्स कंट्रोल ही है, क्योंकि नर्व्स को अगर आप कंट्रोल ना कर पाओ तो फिर तो लगने कंफर्म ही है, तो पूरा तो यही सीन है।
अभी के लिए स्क्वाड तो अभी तक नहीं आई है कि स्क्वाड का रिव्यू करूं, बट मुझे जितना लग रहा है कि लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला हमारे बॉयज ने, तो स्क्वाड चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो सेम स्क्वाड के साथ ही जाएंगे यूएसटी मैच। बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है हमारे स्क्वाड को, अगर सेम टाइप का मोटिवेशन दे के भेजते हैं तो आज कुछ मिरेकल पुल ऑफ हो सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो बेस्ट ऑफ लक आवर बॉयज, एंड हम सबको इंडिया को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा भाई। लास्ट मैच में भाई सपोर्ट आया था भाई, को पता ही नहीं चल रहा था कि इंडिया में मैच हो रहा है या फिर कतर में, भाई क्राउड एकदम बावली हो चुकी थी, माकसम बहुत खतरनाक एटमोस्फियर बना था, बहुत सही एटमोस्फियर था। इस मैच में भी होप करेंगे कि हमारे जो ट्रैवलिंग फैंस है वो इतना ही सपोर्ट करे भाई, कभी नहीं सोचा था इतना मतलब बूस्ट मिलेगा इंडियन फुटबॉल को, बहुत अच्छा लग रहा है इतना बूस्ट देख के, इंडियन फुटबॉल के लिए दिल से खुशी हो रहा है। तो अभी वेस्ट बंगाल में तो बारिश का माहौल है, जो भी जितने लोग हैं आज का कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो घर पे बैठे रहिए, 8 बजे मैच होगा, मैच देखना, मस्त एंजॉय करना। टिल देन पीस आउट, गुड बाय।